सरोवर नगरी नैनीताल में परिवहन समाज कल्याण मंत्री व जिला प्रभारी यशपाल आर्य ने नैनीताल क्लब में आपदा कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। यहां बता दें, आपदा दौरान सड़क, विद्युत, पेयजल, सिंचाई आदि क्षतिग्रस्त कार्य को त्वरित गति से करते हुए तत्काल सुचारू किए जाए तथा आपदा क्षतिग्रस्त योजनाओं का 3 दिन में आंगणन बनाकर जिला कार्यालय में प्रेषित करे ताकि तत्काल धनराशि अवमुक्त की जा सके। उन्होंने कहा, धनराशि की कमी नहीं है। यह बात परिवहन समाज कल्याण एवं जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने आपदा कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि भीमताल सड़क पहाड़ की लाइफलाइन है, इसलिए आपदा से क्षतिग्रस्त काठगोदाम पुल अपार्टमेंट का कार्य पूर्ण कर शुक्रवार साय तक हल्का वाहन यातायात हेतु खोलने के निर्देश अधीक्षण अभियंता लोनेवी को दिए। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर आपदा चुनौतियों का सामना करते हुए राहत बचाव कार्य करने होंगे। उन्होंने आपदा प्रबंधन तंत्र को और सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। देखिए, आज पूरा पहाड़ हो या मैदानी इलाका हो, नैनीताल जनपद का भारी वर्षा से प्रभावित है और जो आज समीक्षा की गई है, जो सड़कें हमारी अवरुद्ध हो चुकी हैं, खासतौर से आपके संज्ञान में है कि रानीबाग जो हमारा पहाड़ को जोड़ने वाला पुल है वो पिछले दिनों कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है और इससे आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। यहाँ की जनता को, गांव की जनता को या बाहर से आने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी सड़कें बंद हैं, जो पेयजल लाइनें ध्वस्त हो चुकी हैं, जो सिंचाई की नहरें में काफी क्षति हुई है, किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है सिंचाई के लिए, तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी जी को भी कि वह तत्काल प्रभाव से जो भी आग्रह विभिन्न विभागों द्वारा आपको भेजे गए हैं उसमें धनराशि तत्काल अवमुक्त करें जिससे कि उन योजनाओं में काम हो सके।